नमस्कार, मैं क्षितिजा देशमुख, एनबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नागपुर से बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। नागपुर मोदा रोड पर खड़े हुए कंटेनर को बारातियों से भरे ट्रैवल्स ने जोर से धड़क देने से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें दोनों की जगह पर मौत हुई तो दो को अस्पताल में जाते समय रास्ते में मौत हुई है तो अन्य जख्मियों को भंडारा के अस्पताल में ले जाया गया है। ट्रैवल्स में करीबन 30 बाराती थे, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नागपुर के मानेवाड़ा परिसर में रहने वाले अमित प्रवीण झिल्पे की 14 फरवरी को तिरोड़ा में शादी थी, जिसके लिए वो नागपुर से दोपहर में ही ट्रैवल से बारात लेकर तिरोड़ा के लिए निकले। इस ट्रैवल्स में करीब 30 से 35 बाराती शामिल थे। रात में शादी होने के बाद बाराती 15 फरवरी शनिवार तड़के 2:30 से 3 बजे के करीब तिरोड़ा से नागपुर के लिए ट्रैवल्स में सवार होकर निकले। इस बीच नागपुर भंडारा हाईवे पर सिंगोड़ी गांव के पास तड़के 4:30 बजे के करीब ट्रैवल्स के चालक ने सड़क पर खड़े कंटेनर को जोरदार टक्कर मारी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि ट्रैवल्स का आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया। इस हादसे में घटनास्थल पर ही दो लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में गंभीर जख्मी दो लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा। इस हादसे में 15 से 20 बाराती जख्मी हुए हैं। मृतकों में 72 वर्षीय बिठाबाई तुकाराम झिल्पे, 58 वर्षीय करुणा विजयराव खोंडे, 28 वर्षीय आनंद रमेशराव अठवले और 35 वर्षीय सतीश जांभुरकर शामिल है। सतीश गोंदिया का रहने वाला है, जबकि 3 लोग नागपुर के रहने वाले हैं। इस हादसे में जख्मी लोगों का भंडारा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये वहाँ के टिप्पर जो है खड़ा हुआ था दिन भर से, ट्रैवल्स वाला जो है तिरोड़ी से बस लेकर के बारात को लेकर के आ रहा था। अंधेरे का टाइम था, पैट पैट में 5 बजे के आसपास खड़े हुए टिप्पर को ट्रैवल्स वाले ने पीछे से धड़क देने के वजह से जोरदार घटना हुई, जिसके ऊपर से दो लोग जगह पर ही मर गए। तो जिनके पीएम के लिए हम लोग मेयो हॉस्पिटल लेकर आए, जिसमें एक लेडीज़ है एक जेंट्स है। भंडारा में 6 लोग जख्मी हैं और मेडिकल हॉस्पिटल में 9 लोग जख्मी हैं। सुनने में उसमें से एक व्यक्ति वहां पे मर चुका है। कलम है सर 283, 279, 337, 304A IPC के। मी राजेश तामगाडगे, जे मृत्यू आहे त्यांचं जे ते माझे वहिनी आहेत, तर ते तिरोडीला लग्नाला गेले होते। काल लग्न निपटलं आणि ते सकाळी वापसीला येत होते, तर ही मौदा आणि याच्या मध्ये ती घटना घडली। तर आम्हाला सकाळीच कळलं, तर तेव्हा मग आम्ही आणि 2 बॉड्या इकडे नागपूरला आणली मेहूमध्ये। करुणा विजय खोंडे। शादी के लिए नागपुर से गए तिरोड़ा में, आखिरकार जब वापसी कर रहे थे तो पूरे जो बस थी एक कंटेनर को उसने जोरदार धड़क दी, जिसके चलते तकरीबन 4 से 5 लोगों की जगहों पे ही मौत हो गई और अन्य लोगों को अलग अलग जगहों के अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। ठीक उसी प्रकार से नागपुर के मेयो अस्पताल में 2 डेड बॉडी आ चुकी है और उनके परिजन काफ़ी गहरे सदमे में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो दुर्घटना है, ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसके चलते यहाँ पे शोक का माहौल दिखाई दे रहा है। खुशी खुशी सभी शादी से लौट रहे थे, अचानक सभी बारातियों के खुशी को मानो किसी की बुरी नजर लग गई और यह दर्दनाक हादसा हो गया। देखते ही देखते शादी का जश्न मातम में बदल गया। मृतकों में विठाबाई तुकाराम झिल्पे दूल्हे के रिश्तेदार बताई जा रही है। ऐसे में शादी के दूसरे दिन ही शादी वाले घर में हंसी की जगह रोने की आवाज गूंजने लगी और सन्नाटा छा गया। एकता गहरवार के साथ वीरेंद्र खोबरागड़े, NBCN न्यूज नागपुर।